गढ़चिरौली पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए जमीन में छुपाए विस्फोटक तथा शस्त्र सामग्री जब्त की। गढ़चिरौली पुलिस ने किस परिसर में ये कार्रवाई की, देखते हैं इस खबर में। नक्सलवादी शासन के विरोध में विविध घातपात करने वाले हिंसक कार्रवाई करने के लिए विविध प्रकार के शस्त्र तथा स्फोटक साहित्य का इस्तेमाल करते हैं और यह साहित्य सुरक्षा दल को धोखा पहुंचाने के उद्देश्य से गोपनीय तरीके से जंगल परिसर के जमीन में छुपा कर रखा जाता है और ऐसे छुपा कर रखे गए साहित्यों का इस्तेमाल नक्सलवादियों की ओर से नक्सल सप्ताह तथा अन्य मौके पर किया जाता है। वहीं 7 अप्रैल को सुबह तकरीबन 11 बजे से 12 बजे के दरमियान उप विभाग धानोरा के अंतर्गत ओमके ग्यारहपत्ती हद के टीपागढ़ जंगल परिसर में मिली गुप्त सूचना के आधार पर ग्यारहपत्ती पुलिस पार्टी तथा सीआरपीएफ के जवान जब नक्सल विरोधी अभियान चला रहे थे, उसी दरमियान जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से संदेहास्पद स्थान पर छिपा कर रखे गए नक्सल साहित्य को ढूंढ कर निकालने में पुलिस जवानों को सफलता प्राप्त हुई। जो साहित्य मिले उसमें 12 बोल राइफल, देशी बनावट के 2 स्फोटक, नक्सल लिखित साहित्य, बैनर, शूज तथा अन्य दैनिक इस्तेमाल करने वाले साहित्य जब्त किए गए। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल, अपर पुलिस अधीक्षक अभियान अनुज तारे, अपर पुलिस अधीक्षक प्रशासन कुमार चिंता, अपर पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख तथा उप विभागीय पुलिस अधिकारी धानोरा स्वप्निल यादव के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुई। अभियान में सहभागी हुए ग्यारहपत्ती पुलिस पार्टी के जवानों का पुलिस अधीक्षक ने कौतुक किया, साथ ही जिले भर में नक्सल विरोधी अभियान तीव्र करने का निर्देश दिया। साथ ही नक्सलवादियों से नक्सली राह छोड़कर आत्मसमर्पण कर सम्मान से जीवन जीने के लिए भी आह्वान किया।